मेरे ससुर ने अपने पुत्र शुभम का नाम डालकर अपनी बेटी को अविवाहित दिखाते हुए उसकी नौकरी हथियाने के लिए आवेदन किया। तस्वीरों में दिख रही इस महिला का नाम रेखा सिंह है। रेखा सिंह आज इस दुनिया में नहीं, लेकिन रेखा की सरकारी नौकरी को लेकर जंग जरूर शुरू हो गई है। दरअसल जौनपुर जिले के छताई कला में रहने वाले आदित्य नारायण की शादी आजमगढ़ में रहने वाली अखिलेश की बेटी रेखा से हुई थी। शादी के कुछ वक्त बाद ही रेखा को सहायक अध्यापक की सरकारी नौकरी मिल गई। सब कुछ ठीक ठाक ही चल रहा था कि एक साल पहले 9 अप्रैल के रोज अचानक रेखा की मौत हो गई। मेरी शादी 1 मई 2015 में श्री अखिलेश सिंह की पुत्री रेखा सिंह से हुई। वह पढ़ाई करते हुए सहायक अध्यापक पद चित्रकूट प्राथमिक विद्यालय डडिया में कार्यरत 7/12/2021 को थी। उसके बाद हम उससे मिलने उसके मायके फरवरी में गए। तब वह ठीक थी। 8 और 9 अप्रैल की रात्रि को शुभम सिंह, जो कि मेरा साला है, उसका फोन आया कि मेरी दीदी खत्म हो गई। रेखा की मौत के बाद पति आदित्य नारायण सिंह ने मृतक आश्रित के तहत पत्नी की नौकरी हासिल करने के लिए एप्लीकेशन दी, लेकिन तभी आदित्य को पता चला कि रेखा के पिता ने अपनी बेटी को अविवाहित बताते हुए उसकी नौकरी बेटे शुभम को देने की दरख्वास्त कर रखी है। मेरे ससुर ने अपने पुत्र शुभम का नाम डालकर अपनी बेटी को अविवाहित दिखाते हुए उसकी नौकरी हथियाने के लिए झूठा आवेदन किया। यही नहीं, उन्होंने विद्या भवन निषादगंज लखनऊ में भी फर्जी मृत्यु प्रमाण पत्र दिखाते हुए मेरी पत्नी की नौकरी का अनुचित लाभ लेने का प्रयास किया है। विभाग से मिली जानकारी से आदित्य के पैरों तले जमीन खिसक गई। जब आदित्य को कुछ समझ नहीं आया तो उन्होंने न्यायालय का दरवाजा खटखटाया, जिस पर कोर्ट ने शिक्षा निदेशक को दोनों पक्ष सुनकर निर्णय लेने का आदेश दिया है। इसकी शिकायत हमने मुख्यमंत्री पोर्टल पर भी किया है और मैं चाहता हूँ कि श्री अखिलेश सिंह, जो कि अपनी बेटी को अविवाहित दिखाते हुए अपने पुत्र को नौकरी के लिए आवेदन किया है और फर्जी मित्र प्रमाण पत्र दिखाने और झूठ बोलने के लिए, उनके ऊपर FIR दर्ज कराई जाए। फिलहाल ये मामला रेखा के ससुराल और मायके के बीच उलझ कर रह गया है। अब आदित्य के पास सिर्फ कोर्ट से इंसाफ की आस है, लेकिन ऐसा पहली बार देखा गया है कि कोई पिता अपनी शादीशुदा स्वर्गीय बेटी को ही अविवाहित बताकर अपना मतलब सीधा करने की कोशिश कर रहा हो। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज टाइम नेशन। सब्सक्राइब करें आपका अपना चैनल न्यूज टाइम नेशन और हर खबर सबसे पहले पाने के लिए बेल आइकॉन जरूर दबाएं। और हाँ, खबरें पसंद आ जाएं तो लाइक और शेयर करना ना भूलें।